नामकरण के बाद में फिर बारी आती है मेरे भाई बहनों विद्या अध्ययन की, पढ़ाई की। मैंने कल अच्छे से विद्या अध्ययन विषय पर प्रकाश डाला था। भगवती गो माता की शरण लेने वाले की बुद्धि बहुत प्रखर होती है, जो पढ़ता है वो बहुत अच्छे से स्मृति में रहता है। ये गो माता की परिक्रमा का भी प्रभाव है, गो माता के दूध का भी प्रभाव है, गो माता जी की संगति का भी प्रभाव है। आप अच्छा विद्यालय चुनिए, लेकिन साथ में घर से जब बच्चे को पढ़ने के लिए भेजो तो आप उसको गो माता जी का दूध पिला के भेजिए। वैसे विद्यालय के चुनाव में भी मेरे भाई बहनों सावधानी रखनी चाहिए। हम आज देख कल देखते हैं कि फैशन के चक्कर में पढ़ के कई लोग विदेशी कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे, जहां संस्कृति का नामो निशान नहीं है, विदेशी धर्म की बातें जहां सिखाई जाती है। ऐसे विद्यालयों में बच्चों को भर्ती मत कराओ, ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाओ जहां पर भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती हो, जहां राम राम बोलना सिखाया जाता हो, जहां माता पिता को प्रणाम करने की बात कही जाती हो, जहां हेलो और हाय के जगह राम राम या नमस्ते की बात होती हो, जहां डियर फ्रेंड की जगह भैया और बहन कहने की परंपरा हो, जहां प्रतिदिन विद्यालय में जाने के पश्चात वहां पर भगवती सरस्वती जी का जो विद्या की देवी है, वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, जिन भगवती सरस्वती माता की कृपा के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी तक रामचरित्र नहीं लिख सके, उस सरस्वती जी की नित्य वंदना विद्यालय में प्रथम होती हो, जहां भाल पर तिलक लगाया जाता हो ताकि प्रति एकाग्र रहे। तिलक सिर्फ परंपरा नहीं, तिलक विज्ञान है। परंपरा के बारे में बताया जाता हो, चोटी को आप केवल बालों का गुच्छा मत समझो मेरे भाई बहनों, वो हाई पावर रेज का एंटीना है, एंटीना। जिस स्थान पर चुटिया होती है वहां मनुष्य का मर्म स्थल होता है, और उस स्थान पर बाल का अधिक होना उस स्थान को स्पेशल हीट देता है, जिससे बुद्धि प्रकट करने वाले तंत्रों में जागरण होता है और उससे बुद्धि की प्रखरता आती है। इसीलिए तो एक चोटी वाला चाणक्य धनानंद के साम्राज्य को बदल करके और किसी और को शासक बना गया, ये चोटी वाले का कमाल था। आज भी इसीलिए चाणक्य की राजनीति और अर्थनीति को विश्व में माना जाता है। अरे कन्हैया ने तो इतना कहा अपनी मैया से, सूरदास जी की वाणी में, ओ मैया मोरी कब हो बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कब हो बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कब हो बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कब हो बढ़ेगी चोटी। चोटी रखने में शर्म आती है, अपनी संस्कृति के चिन्हों को धारण करने में लज्जा का अनुभव करे, समझ लो वो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ हवा में तैर रहा है। और जो हवा में उड़ने वाले कब उड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जमीन से जुड़िए मेरे भाई बहनों। सीखिए कई अन्य धर्मों के लोगों को, जो अपने धर्म के चिन्हों को नित्य धारण करते हैं।
ट्राई चालू हो गई, बेटा ऐसे चोटी प्रकट नहीं होती है ना, इसके तो है, उस पड़ोस वाले के उसके भी है, क्या बात है, प्रणाम इन दोनों बच्चों को। वाह रे, यही तो भविष्य में चाणक्य बन पाएंगे। आगे बढ़ाऊं, आदरणीय माताओं सज्जनों से आग्रह कि थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाओ, पाछे बैठने की जगह कोनी बची, गोचर पे तो अतिक्रमण करियो करियो अटी था, आगे जमीन छोड़ना अतिक्रमण क्यों करो सा। चलिए मैं एक छोटा सा कीर्तन कर रहा हूं, आप तब तक जल्दी से आगे सरक जाइए। देखो आपकी कथा बहुत बाकी है और जल्दी से पूरी भी करनी है।